हाल चाल पूछ लीजिए, कैसे हैं आप सब, पूछ लीजिए। ये जा रहे हैं शंख बजाने, मैं बेडशीट वगैरह सही कर रही थी। इस बेड का सही हो गया है, पापा का बेड और ये बेड सब सही करना। बाबू उठ जाएगा धीरे से। हाँ ले आइए, शंख बजाएंगे। ये पंडित जी हैं भाई, मेरे बेटे पंडित जी हैं, बजाइए। मुझे काम करने दीजिए बेटा। एक काम करेंगे, ये गिलास रख के आएंगे जहाँ दीदी बर्तन धोती है। अरे बाबा देखो, कल वाला और आज वाला नारियल पानी रखे इसमें। आज वाला नहीं, कल वाला, कल शाम वाला और कल परसों वाला। नारियल पानी जो पापा कल लाए थे वो दे दो, मुझे पीना है। पहले हम इसको रख के आए बाहर, दीदी आएगी तो डस्ट कूड़ा फेंकेगी, ये भी भर गया है। रखे नहीं ये बेटा बाहर। रुको अनमारी साफ करने दो ना, इसमें दवाई नहीं है ना बाबा जी की। नहीं हटो 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 हटो, गंदा साफ कर देना, गंदा है ना। ये है बाबा जी के थाली के नीचे, जब थाली में डाल देते हैं तो लगाने के लिए। चलिए चलिए चलिए। दे दी होती, दूध इसके साथ नहीं दे रहे हैं, पपीता के साथ बाद में देंगे। जय श्री राम, डांस कर दो, जय श्री राम। ये आया है पार्सल मेरा, और ये क्या है, बॉटल, पानी वाला बॉटल। उसका ढक्कन टूट गया था सारे का, तो मैंने ये मंगवाया है, 6 बॉटल। इधर चावल थोड़ा सा रखे हैं कि बीन के, आज देखते हैं खाने में तहरी बनाएंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, खिचड़ी नहीं तो तहरी बनाएंगे। चलिए अब दूसरा काम करते हैं। अब इस समय मैं जा रही हूँ पूड़ी छानने, तो हम लोग, हाँ अनीता रे से हम लोग नाश्ता करेंगे। पापा वो क्या कहते हैं, पपाया खा के गए हैं पान खाने। पापा आएंगे तो फिर देखते हैं क्या खाएंगे, पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी सब्जी दे देंगे। और मैं आप लोग बताओ, आज व्यास 2 दिन से कह रहे थे मोमोज के लिए, तो हम सोचे चलो आज सुबह ही तैयारी कर देंगे, फिर बनाएंगे धीरे धीरे। तो पूरन तो बना लिया हम मोमोज का, इसका मैसेज आ रहा है, पूरन तो बना लिए हैं हम मोमोज का। लेकिन जब हम गए कि अब मैदा सान के रखते हैं, तो जब थोड़ा सा सही हो जाएगा तो बनाएंगे, तो जब देखने लगे नीचे मैदा ही नहीं है, तो हम क्या पूरन बना के रख दिए। चलो शाम को जब यहाँ से वापस स्कूल से आते रहेंगे तो बोल देंगे मैदा ले आएंगे तो बना देंगे। तब से हम पूरी छान लें, और सुबह टिफिन में बनाए थे लौकी, अरे सॉरी कोहरा की सब्जी, पूरी रियांश के पापा को दिए थे, तो आटा भी उस समय कसाने थे और सब्जी भी मेरी तैयार है, तो हम लोग बस पूरी छान लें, हम लोग नाश्ता कर लें। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही तब तक हम ये बर्तन लगा लें फट से, और बच्चे लोग भी मेरे नहा के रेडी हो गए हैं, तो चलिए मैं बर्तन लगा के मिलती हूँ। मैंने ढका है प्याज टमाटर आलू मिर्च वगैरह काट के, बनाएंगे दोपहर में तहरी, फिर उसको हम कट कर लेंगे सब। दूध वगैरह भी खोल गया, अच्छा दूध पहले फ्रिज में डाल दें, दूध को फ्रिज में डाल देता हूँ। पूरी छान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। और एक बात और बताएं आप लोग को, मुझे ना साड़ी पहनने में इतनी उलझन होने लगी है, पहले हमको सूट पसंद ही नहीं था, शादी बाद हमेशा हम साड़ी पहनते थे। बेटा क्या हुआ डुगू, डुगू क्यों रो रहे हो बेटा, लॉलीपॉप खा लो हमारे नाश्ता लेके तो। लेकिन अब मुझे इधर क्या हुआ, क्यों रो रहा है,
दूध दूध चाहिए क्या बच्चा को? लॉलीपॉप नहीं खाया? क्यों मम्मा के लिए रो रहा है? दुखू रोने लगे तो जहाँ हम रहते हैं ना वहीं उनको रहना रहता है। झूला पे जल्दी अब बैठता नहीं है, पहले बैठता था, झूला बैठता नहीं, सोचता कि गोदी लेके हम काम करें या तो हम अपने पास रखे रहे, पर यहाँ जब तक पूरी छाना तब तक मैं क्या क्या पूरा किचन फैला देंगे वो डिब्बा ऊपर नीचे उतार के। तो मैं क्या कह रही थी, साड़ी पहने मुझे अब इतनी उलझन होने लगती है, रोज हम निकालते हैं कि चलो आज साड़ी पहनी आज साड़ी पहनेंगे, और जब सुबह उठते हैं 4:30 बजे तो फट जाएंगे कमरे में जल्दी जल्दी सूट निकाल के। आपको क्या हो गया बेटा? पानी पानी बोतल हम आपको भर के रखें डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल बोतल रखा बेटा, और जल्दी जल्दी सूट निकालेंगे और चल जाएंगे बाथरूम में नहाने के नहाने। बहुत पता नहीं क्यों उलझन में लगी थी उनके पापा से। डाइनिंग टेबल पे ब्लू वाला बॉटल नहीं है आटा, अभी इतना लिए थे खेल रहे थे लोग, तो इसीलिए हम कह नहीं अब बहुत हम जिस वहाँ पता नहीं क्यों साड़ी से भागने लगे हैं। कभी हम ऐसा किए नहीं कि हमको साड़ी ना पसंद हो। अरे बच्चा लो। लेकिन अब मुझे इतनी उलझन होने लगी है साड़ी से ना, पता नहीं क्यों। इनके पापा कहे कि नजर उतार लो तुम अपना, क्या सही बात है, नजर उतार लेंगे सही रहेगा। उन्हें तो उतारे नहीं नजर, खुद से खुद की नजर उतारे, कह दिया आप ही उतारिए। मैं पूरी छान लूँ झटपट झटपट, और आज आटा वाला डिब्बा हम धो दिए हैं ना, मतलब निकलवा दी निकाल दिए, आटा खत्म हो गया था तो झोला में पीस के आया है हनीता ले आई आज, तो हमका डिब्बा धुलवा दे तो थोड़ा सा पैसा निकाले हुए थे कि अपना नाश्ता बनाने के लिए पैसा निकल जाए, फिर तो साफ आटा रहेगा तो डिब्बा धुला रहेगा। और मौसम दो तीन उधर दो दिन ना इतना ठंडा हो गया था कि पंखे की हवाई ठंडी लगी थी, एसी उसी नहीं चल रहा था, और अब फिर दो दिन से बहुत गर्म हो गया है मौसम। तो हम ट्राई करेंगे कि मैं साड़ी पसंद, मुझे सूट वैसे भी नहीं पसंद था, लेकिन अब मजबूरी है पता नहीं क्या, जल्दी जल्दी में बच्चों को अगर कहीं बाहर भी जाना है तब तो और साड़ी नहीं पहन पाते, बच्चों को तैयार करो, बच्चों को पानी रखो, बॉटल रखो, दूध रखो, मंदिर वगैरह जाना, इसलिए फट से सूट डाल लेते, पता नहीं क्यों गोल झंडा होने लगी है साड़ी से, क्या हो गया है। और हमको सूट पसंद भी नहीं था, साड़ी पहले ही हम सूट नहीं पहनते थे, सारी बात की बात ही छोड़ो, लेकिन फिर भी मजबूरी में बच्चों के बारे की जल्दी जल्दी ही हमारा पहनने लगे। अनीता का नाश्ता ये रहा मेरा, और कुछ चटनी वगैरह ले ले, पन्ना तो फ्रिज में रखे थे कल, फिर बनाए थे कल हम पन्ना सरसों वाला, और ये आज तो मेरे में खा लेंगे, तो चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और थोड़ा सा ये छाने थे तो ये भी ले लेते हैं डुग्गू के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम जा रहे हैं तहरी बनाने, और 12:30 बज गया है, पापा गए हैं 9:30 बजे का गए पान खाने, अभी तक आए नहीं, और मोबाइल भी छोड़ के गए, तो अगर फ़ोन मिलाए भी तो किस पे मिलाए, पता नहीं कि पापा मोबाइल भूल जाते हैं कहीं, कभी कभी कहीं जाते हैं तो थोड़ा जैसे ऐसे जाते हैं 2-2 घंटा पान खाने तो, लेकिन अभी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और इनके पापा स्कूल में मैसेज करेंगे तो परेशान हो जाएंगे क्योंकि मोबाइल भी अलाउ नहीं, अभी टीवी नहीं चल रहा है, आ रहे हैं हम तहरी बना लें जल्दी से, आ रहे हैं 12:30 बज रहा है, हम तुझे तहरी बना लें, मोबाइल भी पापा घर पे छोड़ के गए। क्या बेटा अभी खड़े थे गेट के पास, हम सोचे वो भैया है ना पोपल भैया उनको फ़ोन करें, फिर वो पता चला कि मतलब वो भी तो किराकत मतलब अपने ससुराल में है, भाभी को वो हुआ है बेबी हुई है ना, तो उनको एक ऐसे रहता था तो उनको फ़ोन करके तो पता चला था, तो मार्केट में जाके देख लेते थे। क्या आटा तो अब सान चुके, अब तो तहरी बना रहे हैं ना, ऐसे रियांश को एक बार लेके गए थे तो देर हो रहा था, तो हम पोपल भैया को फ़ोन किए कि भैया पापा रियांश को लेके कब से गए, अभी आए नहीं, तो वो बोले कि हाँ हम जा रहे हैं तो मार्केट में गए थे लेके आए,
अब पापा की तबीयत नहीं ठीक है तो अब 2 की 3 घंटा 12:30 बज रहा है 9:30 बजे सोचिए 9:30 10:30 11:30 12 3 घंटे हो गए। इनके पापा को मैसेज डालेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। देखो लाइट आ गई कि गई है। हटो बेटा चलिए हम सोचे तहरी भी बना लें अपना काम खत्म कर लें। डुग्गू भी यहीं झूला बैठे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। ये देख रहे हैं इनको यही सब पूजा पाठ में मन करता है पढ़ने आ नहीं रहा है बस बताए कि ये है सुंदरकांड। सुंदरकांड हाँ तो आप अपने पहले भी पढ़ाई करिए ये सब बाद में पढ़िएगा। नहीं 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 क्या हाँ पहले पढ़ाई पढ़ा जा किया जाता है तब ये सब पढ़ा जाता है। नहीं नहीं बस दिन भर इनका पूजा पाठ है। अगोरी हूँ। अगोरी बनोगे क्या तुम हाँ? देखे सब भोले बाबा का देख देख के सीखता है लड़का। हनुमान जी को बुला रहे हैं। देख रहे हैं बाबा जी नहीं आए अभी बेटा कोई नहीं है। है 1:15 1:30 बज रहा है ऐसे बताए भी नहीं है ना कि समय लगेगा या जो तो थोड़ा सा वो हो रहा है नहीं तो ऐसे पापा बता जैसे तबीयत ठीक रहती थी तो जाते थे पहले 2-2 घंटा 2.5 घंटा अपना बैठते थे अपना बात बात करते थे वहाँ जो सबसे। लेकिन अभी तबीयत जब से खराब हुई अभी परसों से जाना शुरू किए हैं तो जाते थे पान खा के 10 मिनट में चले आते थे अभी 3 घंटे होने जा रहे हैं। ये देखिए घड़ी में 12:30 बज रहे हैं 12:35 होने जा रहे हैं। क्या बेटा बच्चा को झूला बैठा के हमें खाना बना ले तब इनको सुलाएं। बहुत देर कर दिए पापा। अच्छा उसके बाद चले गए ब्लड देने। अच्छा 10 दिन हो गया हाँ। मोबाइल भी नहीं लगे थे हमके इधर भी जाते हैं तो जल्दी चले आते पान खा के 3 घंटा 9:30 बजे गए थे 1:15 बजने जा रहा है। पापा आ गए अभी 1:15 बज रहा है और जैसा कि आप लोग को हम आपके सामने थोड़ी सी वीडियो क्लिप लिए हैं पापा का शूट नहीं किए हैं। डुगू नहीं जाएगा आंगन में एक बार डुगू झूला बैठा थे तो पापा पान खाने भी गए थे और गाड़ी भी बोल रहे हैं खराब हो गई थी वो भी बनवाने लगे थे और कहे कि ब्लड टेस्ट करवाने गए थे लेकिन बता के नहीं गए थे कि ब्लड टेस्ट करवाना है तो हम पता रहता कि भाई सर में समय लगेगा 3.5 घंटा 4 घंटा कुछ होता है और वो भी यहीं गए हैं बिना बताए कि ऐसे ही कि पान खाएंगे ये भी नहीं बताए थे पान खाने जा रहे हैं। क्या बेटा पूड़ी बना दे बाबा जी को तो पापा आए पहले हम पूरी सब्जी दे दे रहे हैं उसका तैयारी जो भी बन रही है 3 बजे तक खाना खाएंगे। क्या बेटा तो ब्लड भी टेस्ट करवा के आए हैं गाड़ी भी खराब हो गई थी बता रहे हैं। हाँ पापा ऐसे चले गए थे तो लगा जैसे रोज पान खाने जाते हैं ऐसे गए हैं बताए ही नहीं थे अभी आए तो इन पूछे बहुत देर हो गया तो बताए कि ये करवा रहे थे मोबाइल ही नहीं ले रहे थे कि हम फोन कर रहे हैं। बच्चा क्या है दोनों परेशान हो क्यों है बेटा मालूम है उस सब फूल में चींटी चढ़ गई आप खुद देखे हो ना बिस्तर पे लग गई थी बनाने तो जा रहे थे तो चलिए मैं भी पापा को नाश्ता वाश्ता दे दे। एक काम करेंगे आप अरे तो फिर मम्मा भी आपका कोई काम नहीं सुनेगी। ये बॉटल पहुंचा दीजिए बाबा जी के पास बस पानी का बॉटल नारियल पानी अभी दोपहर में बाबा जी को देंगे ना तब आपको भी देंगे बेटा अभी खाना खाने के बाद नारियल पानी अभी देंगे। नाश्ते में ही बनाए थे फिर खाने में